ये गांव की जिंदगी है, इस एरिया का सबसे बड़ा शॉप। अभी हम पहुंच गए हैं रुचिता के पुराने घर पे। हानिकारक चीनी चिकन 100% हलाल। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो जी, व्लॉगिंग की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जा रहे हैं निजामाबाद, गांव की लाइफ को एक्सप्लोर करने। पैकिंग वगैरह हो चुकी है, मेरे एग्जाम्स फाइनली कंप्लीट हो गए हैं। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर मैं जाने वाली हूँ। जैसे मैं जा रही हूँ एक दूसरे स्टेट में भी, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं दूसरे स्टेट में भी जाऊँगी। वहाँ पर भी बहुत 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 मज़े करेंगे, दिखाएंगे आपको। पैकिंग हमारी हो गई है और ऐना को हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी चलेगा हमारे साथ। सो बिल्कुल अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस व्लॉग में आप नई नई चीजें देखेंगी, बहुत नई सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और ये सारा लगेज है मैं ले रही हूँ, थैंक यू सो मच ये बोतल देने के लिए, हैदराबाद के किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी। हैदराबाद में कुछ भी कहीं भी जाने के लिए आपको सिकंदराबाद बस स्टेशन जाना पड़ता है। सो जहां हमें जाना है उसके लिए भी हमें सिकंदराबाद जाना है। अभी हूँ JBS बस स्टैंड में। ये रहा सारा JBS हैदराबाद का बस स्टैंड। यहां से हमें मिलेगी निज़ामाबाद के लिए बस। फिलहाल रुचि का इंतज़ार कर रहे हैं, रुचिता बाहर गई है। रुचिता आए फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स मैं रुचि का वेट कर रही हूँ यहाँ पे बस स्टैंड पे, और रुचि गायब है। हर बार फ़ोन करके बोल रही है बस 5 मिनट लगेंगे, रुचि के 5 मिनट ख़त्म नहीं हो रहे। मैं बहुत बोर हो रही थी, मैं सोचा क्यों ना रुचि को थोड़ा आगे तक लेने जाएं। वैसे भी कश्मीरी लोग बड़े तेज़ हैं। नथिंग इज़ देयर। फाइनली शी केम। फाइनली बस में आ गए हैं। ये हमने सारा अपना लगेज वगैरह जो है वो रख लिया है। रुचिता टिकट लेने गई हुई है, यहाँ टिकट लेने पड़ती है जो कि सिर्फ बस में ही मिलती है। एक और मसला है कि रुचिता भी सीट विंडो साइड प्रेफर करती है और मैं भी, बट रुचिता मुझे घुमाने ले रही है तो मैं रुचिता मतलब रुचिता को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। सो यस, मैं इस साइड बैठ गई हूँ। व्हाट दे आर बिजी फॉर टिकट्स, व्हाट हैपेंड टू यू? Why? You want to eat? I will bring for you. No, you have to bear for 2-3 days this thing. No. Ruchita ko vlog mein aana zyada pasand nahi hai kyunki college mein ye bahut famous ho gayi hai. So she used to do like this. But ab isko ye bardasht karna padega. Jitne time mein iske saath ghoom rahi hu, har vlog mein ye dikhegi. Yeah. You want to eat anything? What do you want? Yeah. सो फॉर रुचि एंड मी, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, 2 घंटे का शायद है, तो हमें अब थोड़ा खाने के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा। ये साथ में ही शॉप से लस्सी चिप्स वगैरह और जूस वगैरह ले आए हम। अब हम फुल ट्रैवल के लिए तैयार हैं, बट आई नो दिस ट्रैवल विल बी लाइक वेरी हेक्टिक। सो वी आर रेडी। हम लोग पहुंचने वाले हैं और रुचिता का रिएक्शन सिर्फ ये है, हे आर्मोर। आर्मोर इज़ अ प्लेस जहाँ रुचिता ज़्यादा मतलब घूमने वूमने आती है। ये इनका स्टी टाइप का है, तो इसका बार बार ये उल्फत सी आर्मोर, उल्फत इंजॉय करो, वो करो, ये करो। पर भाई साहब बस में बैठ के मैं क्या करूँ, इसकी हैप्पीनेस है। यू हैप्पी? व्हाट उल्फत सी दिस, उल्फत सी दैट। सो अभी नीचे उतर के बताएंगे आपको क्या सिस्टम रहेगा। फिलहाल 4 बजे से अभी 8 बजे तक हम ट्रैवल ही कर रहे थे अपने कॉलेज से यहाँ तक। अभी उतरेंगे, आपको भी दिखाते हैं रुचिता का आर्मोर। तो जी, आज है मेरा रुचिता के घर पे, रुचिता के गांव में पहला दिन। आज हम चलेंगे एक्सप्लोर करेंगे इस गांव को और देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ है, क्या कुछ। वैसे भी बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे एक चीज़ है कि इसके पेरेंट्स बहुत 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 ज़बरदस्त लाइक मेरे लिए कर रहे हैं। ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई
पता नहीं किस देश से आई हुई हूँ। तो यहाँ पे आके बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, कल शाम को मैं पहुँची हूँ बट कल शाम से मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई। बट अभी से शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। फिलहाल हो चुकी हूँ मैं तैयार, मूंछ मैंने धो लिया है, अभी कपड़े भी मैंने पहन लिए हैं अच्छे से। तो अभी चलते हैं बाहर, रुचिता के साथ नाश्ता करते हैं और देखते हैं बाहर क्या सिचुएशन है। सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट, चिकन 100% हलाल। सो जी अभी हमारा नाश्ता पानी जो है वो हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं गाँव को एक्सप्लोर करने जो कि रुचिता का गाँव है। फिलहाल बाहर चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। सो स्टार्टिंग माई स्नैप फ्रॉम हेयर, ये रुचिता का घर है जो मेरे पीछे है और ये सारा जो है रुचिता का गाँव स्टार्ट होता है। रुचिता सबसे पहले मुझे शॉप ले रही है। सो दिस शॉप इज इस एरिया का सबसे बड़ा शॉप। यहाँ पे शॉप पे लोग चप्पल उतार के जाते हैं। भाई साहब मैंने शूज पहना हुआ है, बड़ी मेहनत करके, मैं नहीं उतारने वाली। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑफ माई शूज। हेलो माय दोस्त, व्हाट्स देयर? रुचिता मेरे लिए कुछ ले रही है। कश्मीर का नाम सुन के 10 बार पूछते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। यहाँ पे लोग कुछ ऐसे बेचते हैं, यहाँ पे पहले से पोटलियाँ बनाई हुई हैं, केजी हाफ केजी, ये आटा है, ये देखे दाल दाल, चीनी, पीनट ऑल्सो। ये रुचिता के एरिया का सबसे बड़ा जो है वो शॉप है। रुचिता ने कल आते ही आते मुझे बोला ये एरिया का सबसे बड़ा शॉप है, इसको तो मैं एक्सप्लोर करना। सो आज वो देखते कितना बड़ा है ये। व्हाट्स दिस? गुलाब जामुन, नाइस। ये तेलंगाना का बड़ा स्पेशल रहता है, ये सारा ऐसा कुछ ये खाने में पसंद करते हैं, स्नैक्स में ये सारी चीज़ें इनको बड़ी पसंद है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की तेलंगाना स्पेशल स्नैक ना। तो अभी चलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं क्या कुछ है। अभी हम पहुंच गए हैं रुचिता के पुराने घर पे, अभी ये नए घर में शिफ्ट हुए हैं। नया घर आपको बाद में दिखाते हैं, फिलहाल ये पुराना घर देखें। आते ही कुछ ऐसे है, यहाँ से साइकिलें यहाँ पे बड़ी सारी रहती हैं। I have to remove my shoe. इधर पे तो पक्का ही उतारना पड़ेगा, इधर पे कुछ नहीं चलेगा। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? दिस इज किचन ना, स्मॉल किचन। व्हाई यू आर सिटिंग डाउन? ये है किचन। What's this? अच्छा ये बीड़ी है? ये देखिए भाई साहब क्या देख रही हूँ मैं। हानिकारक। ₹500 बीड़ी बनाने में इनको सिर्फ 100 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब ये सेल करते हैं सेलर्स को और वो लोग इनको 500 बीड़ियों के बदले सिर्फ 100 रुपये देते हैं। सीरियसली यहाँ पे आके गुरबत का मुझे पता चला, इतना भी होता है, हम लोग हज़ारों में उड़ा देते हैं और कुछ भी मुझे समझ नहीं आता है कि कहाँ गए क्या हुआ, और लोग इतनी मेहनत दिन रात करके और सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं इनको। या कम कम देर इज बली हम ऊपर फ्लोर पे गए हुए थे रुचि और मैं, वहाँ पे इतनी बड़ी लीजर्ड थी और मैं भाग के आ गई भाई, क्योंकि लीजर्ड से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। ये है रुचिता उनका पुराना घर जहाँ पे अभी रुचिता की बुआ रहती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और वो अभी यही काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं।
ये गांव की ज़िंदगी है। और सच में ऐसी जगहों पर एक्चुअली आना चाहिए ताकि पता चले कि हम कितना कुछ होके भी खुश नहीं हैं और लोग इतने से में इतना खुश हैं। मैं समझा नहीं पाऊंगी आपको कि मैं कैसे अभी फील कर रही हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई नो यू गाइस आर सो मैच्योर समझने के लिए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो ये घर है, अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली सारे लोग चप्पल के बिना ही चलते रहते हैं, मैंने जितने लोग भी देखे कोई भी चप्पल नहीं पहनता, और मेरा मसला ये है कि मैंने शूज़ ही लाया है, मैंने चप्पल नहीं लाई है, तो मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ रहा है। बट मैंने कंटिन्यूसली सॉक्स पहन के रखे क्योंकि आदत से मजबूर हैं हम लोग। किसी घर ले रही है, पूछी किसका घर है, बोलती है मुझे पता ही नहीं किसका घर है भाई। कमरे कमरे योर विलेज। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू बैक लाइक इन 90s। आपको मैं कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जो आपको 90s की पूरी याद दिलाएगा। लुक एट दिस, ये है यहाँ की शॉप। थैंक यू, मेरी वजह से रुचिता को ये लेने पड़े, क्योंकि अगर ऐसे हम शॉप पे जाते तो इनको शायद बुरा लगता।